जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। आज ये जी गाटा कि इस धरती पर हमारे आदिवासी समाज के जो महापुरुष नाना भाई खाट, सेंगाबाई रोत, कालीबाई कलासुआ के शहादत स्मृति दिवस समारोह में पधारे हुए कर्मचारी गण, राजनीतिगण, माताएं बहनों, युवाओं, साथियों और माइनॉरिटी एससी समाज के आप सबका इस धरती पर स्वागत अभिनंदन करते हैं। जब सामंतवाद था तब हमारे इन महापुरुषों ने शिक्षा की देवी कालीबाई कलासुआ जब 12-13 साल की उम्र में इन्होंने शिक्षा के लिए अमर हुए, शहीद हुए कालीबाई कलासुआ। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आदिवासी समाज को एक समय था पढ़ने का मौका नहीं मिला था। आज जब 1947 के बाद जब देश आजाद होने के 2-3 महीने के आसपास में अंग्रेजों ने गोलियां नहीं मारी थी मेरे भाइयों, और इन्होंने जो शिक्षा के लिए भाई गुरुजी थे, सिंगाबाई रोत थे, ये नाना भाई खाट थे कि रास्ता बाल के अंदर शिक्षा मंदिर जो चला रहे थे, वहां शिक्षा सिंगाबाई रोत अपने रोजेला से चल के रास्ता पाल जाके वहां पढ़ाने का, रात को चुपके चुपके पढ़ाने का काम करते थे। उस दिन आदिवासियों को पढ़ने के लिए भी अधिकार नहीं था, जो पढ़ता था इसको इस तरह से हमारे कई, यानी कि आज हमारा जैसे जैसे पढ़ लिख के आगे बढ़ रहा है और इतने में आरक्षण खत्म। बड़ी सोचने की बात है, आज पढ़ने का अधिकार है। जब पढ़ने का अधिकार है तो हमारे समाज के अंदर आईएएस बने, आरएस बने, वकील बने, एडवोकेट बने, हमारा समाज तरक्की कर चुका है। वो शिक्षा के लिए, अगर शिक्षा नहीं होती तो ना तो हमारा एडवोकेट होता, ना वकील होता, ना डॉक्टर होता। और इन महापुरुषों ने शिक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। मैं पूरा बताना चाहता हूं कि जब सेंगाबाई रोत रास्ता पाल में पढ़ा रहे थे, शिवराम जी रोत पुनावाड़ा में पढ़ा रहे थे, तब इन लोगों ने उनको पता चला सामंतवाद जो लोग थे, सामंतवाद में जो रास्ता में जो गोली चलाई थी वो कोई अंग्रेज आके गोली नहीं चलाई थी, वो गोलियां पीठ का ठाकुर था, उसका लाल सिंह नाम था। उस ठाकुर ने हमारे इन कालीबाई कलासवा को और इनको और नाना भाई खाट को कंधों से मारा और इनको मारा गया था। वहां सेंगाबाई को घसीटते हुए लेके जा रहे थे कालीबाई कलासवा ने हथिये से, यानी रस्सी काट दी थी, इसलिए इनको गोली चला के मारे थे। तो मेरा ये कहना है, इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं, बदलो ली वो एटले फूटी नहीं, उसके लिए भी अपन को ये काम करना पड़ेगा। और शिक्षा के लिए इन्होंने और सेंगाबाई सॉरी शिवराम जी के रोत थे वो पुनावाड़ा में,
इनको भी इस तरह से पकड़ा गया और पकड़ने के बाद ज्योतिपाल पूरी पूरी वार टूटी और ज्योतिपाल के अंदर आज भी वो शख्स जिंदे हैं जो इन्हों ने कंधों से मार मारा था, वो आज भी वो जिंदे लोग हैं। भाइयों, बड़ी मुश्किल से यानी कि आजादी के बाद तक, पर आज ये शहादत दिवस इसीलिए मनाया जा रहा है कि इन्होंने शिक्षा के लिए हमारे लिए काम किया था, ऐसा काम किया है, इसीलिए आज वो हमारे महापुरुष है, वो पूजनीय है। मैं और जब हमारा समाज आज पढ़ लिख के थोड़ा